सहनावतु सहनौवनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम अव्ययम् विवस्वान् मन विप्राः मनुरिक्ष्वाग विब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकालीनेह महता योगो नष्ट परंतप सैवायं मया तेत्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तमानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तव अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः। सो अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारा और मेरा और अन्यों का बहुत जन्म हो चुका, पूर्व में भी जन्म हो चुका, आगे भी जन्म होता रहेगा, लेकिन एक अंतर है कि तुम उन जन्मों को नहीं जानते हो, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं। जब ऐसा भगवान ने बोला कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके और मैंने यह ज्ञान तो सूर्य को दिया था सबसे पहले, तो अर्जुन बोलता है आपका जन्म तो अभी अभी का हुआ है। तब भगवान ने उसको जो एक वाक्य कल कहा था जिसको हम लोगों ने देखने की कोशिश की और वह
वेदांत का मूल विषय है वह अजह। एक तरफ तो भगवान बोलते हैं मेरा जन्म नहीं हुआ, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मेरा जन्म हुआ है। तो यह दोनों वाक्य विरोधाभास लगते हैं। जो अच्छे श्रोता होते हैं, साधना करने वाले, वह यह भी देखते हैं। रामचरितमानस में भी यही समस्या लोगों को आती है। एक तरफ राम को अनीह, अरूप, अनामा बताया जाता है, अज सच्चिदानंद, और दूसरी तरफ भगवान का आप देख रहे हैं जन्म भी हुआ, तो कौशल्या माँ के गर्भ से जन्म हुआ, तो दशरथ जी उनके पिता हैं, और एक तरफ भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म हुआ ही नहीं। तो जरा सुलझा सुलझा के चीजें देखें। भगवान ने यदि कहा है तो वह गलत तो नहीं होगा, जो कहा है वह सही है। किसी चीज को समझने के दो दृष्टिकोण होते हैं, जैसे कि उदाहरण कल मैंने दिया। विज्ञान यह कहता है कि सूर्य का उदय है और सूर्य का उदय नहीं है और सूर्य का अस्त भी नहीं है। अच्छा, हमारा ज्ञान क्या है? और सूर्य का उदय है और सूर्य का अस्त है, चिड़ियां भी चहचहा रही हैं, भौरे भी गुनगुना रहे हैं, सब कार्य चालू हो चुका है, तो हमारा तो ये लक्षण दिख रहा है। अब किसको सत्य माना जाए? विज्ञान को सत्य माने कि यह जो हमको ज्ञान हो रहा है इसको सत्य माने? यह प्रश्न दिमाग में आना चाहिए। जो अच्छे पढ़े लिखे वेदांत को समझने वाले हैं, वो ऐसा भी नहीं कहते कि जगत या सूर्य का उदय नहीं होता। सूर्य का उदय भी होता है, जगत भी चल रहा है। उनसे पूछा जाए फिर सच क्या है, तो बोलते हैं सच दोनों है। बोले फिर वही बात आ गई, कोई एक चीज बताइए। इसका उत्तर ये है, जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हम परसीव कर रहे हैं, वह किस प्लेटफॉर्म पे रहकर परसीव कर रहे हैं? इसको वाक्य को बार बार पकड़ के रखिएगा। हम किस प्लेटफॉर्म पर रहकर परसीव कर रहे हैं? जैसे कि जब हम बोलते हैं सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य का अस्त हो रहा है, ठीक है, यह अनुभूति है, लेकिन ये हम कहां पे रहकर बोल रहे हैं? पृथ्वी पे रहकर। तो पृथ्वी के स्टैंड पॉइंट से सूर्य का उदय भी है और सूर्य का अस्त भी है। किस स्टैंड पॉइंट से? पृथ्वी की उपाधि से, ऐसा शब्द बोलते हैं वेदांत में। पृथ्वी की उपाधि से जब हम इन रेफरेंस अर्थ का देखते हैं, तब तो सूर्य का उदय भी है और सूर्य का अस्त है। अच्छा, इस रेफरेंस को हटा दे, विदाउट रेफरेंस सूर्य पे रहकर देखें तो नहीं समझ में आया। फिर से कहता हूं, मदर के रेफरेंस से वो पुत्र है, am I right? जब मैं मां हूं तो वह पुत्र है। अच्छा, यदि पुत्र हो ही नहीं तो फिर मां भी? पुत्र के रेफरेंस से आप मां है ना। मान लो रेफरेंस को हटा देता हूं तो आपका अस्तित्व है या नहीं? बोले अब मैं मां नहीं हूं तो आप नहीं है क्या? बोले नहीं, मैं हूं। तो क्या है? बोले आई एम फीमेल, मैं स्त्री हूं। तो वो जो मां बने थे वो कब बने थे? रेफरेंस से। किसके? पुत्र के रेफरेंस से। गुरु के रेफरेंस से वह शिष्य है, लेकिन जैसे ही गुरु का रेफरेंस हटता है तो वह शिष्य भाव भी हट गया।
पृथ्वी की उपाधि से यदि देखेंगे तो सूर्य का उदय भी है और सूर्य का अस्त भी है, लेकिन पृथ्वी की उपाधि से हटा देंगे तो ना तो सूर्य का उदय है ना तो सूर्य का अस्त है। कल एक और दृष्टांत दिया था मैंने, एक पुष्प के ऊपर गुड़हल का फूल रख दिया जाए और वह जो शिवलिंग है वह स्फटिक का शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग को देखने पर अब हमको क्या लगता है कि यह जो शिवलिंग है वो कैसा है? लाल है। तो यह बताइए कि लाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोले हाँ लाल तो दिख रहा है, स्पष्ट है लाल दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है क्या वह लाल है? बोले ये कैसे कह सकता हूं, लाल तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाल पुष्प वहां रखा है। तो एक काम करो, शिवलिंग का क्या है अपने आप में रंग? बोले पुष्प को हटा के देख लो। हो पुष्प को हटाया तो कुछ भी नहीं, सफेद। चलिए एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए आपके जितने रेफरेंस हैं सबको हटा दीजिए। ट्राई। मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं साधक हूं, सब हटा दो। ट्राई। भाई जो आप हैं वो किसी के कारण है नहीं है। पुत्री हैं किसके कारण? माँ के कारण। पिता हैं किसके कारण? पुत्र के कारण। शिष्य हैं किसके कारण? गुरु। ये जो रेफरेंस के रिश्ते हैं ना ये सब हटा दीजिए। अब मुझे यह बताइए कि क्या बचा? आप हैं या नहीं? आप हैं या नहीं? बोले मैं तो हूं। तो क्या होगा? आप बोले वो कुछ भी नहीं हो। वेदांत इसी को कहता है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। जो तुम इतना सारा व्यवहार कर रहे हो ये सब सब किसी के रेफरेंस से कर रहे हो। इसी को वेदांत एक शब्द में कहता है उपाधि। उपाधि के संदर्भ से तो वह पृथ्वी घूम रहे, वह सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और अगर वह उपाधि हटा दें तो भगवान के लिए भी आपको दिखाता हूं। चलो, यदि मैंने मेरे मेरे हृदय में मेरी बुद्धि में प्रार्थना है, प्रार्थना, वह जो ईश्वर है वो कैसा दिखेगा? रेफरेंस किसका है? प्रार्थना। तो ईश्वर भी कैसा दिखेगा पता है? अनुग्रह विग्रह करता हुआ, दयालु है, कृपालु है, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? प्रार्थना की वृत्ति है। आपने ऐसा दृष्टांत देखा होगा, अभी देखेंगे हम। राम जब स्वयंवर में आए तो बहुत सारे लोग बैठे थे, किन्हीं किन्हीं को तो वो भगवान दिखते हैं, किन्हीं किन्हीं को तो वो नवयुवक दिखते हैं, किन्हीं किन्हीं को वो धूर्त दिखते हैं, किन्हीं किन्हीं को कालों का काल महाकाल दिखते हैं। अब यह बताइए कि सच क्या है, थे क्या? कहा ये गया, जैसा आपके अंदर वृत्ति है वो वैसा ही आपको क्या करता है? दिखता है। बोलूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन्ह देखी वैसी। वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो अपने आप में वो सब नहीं दिख रहा है। जो जैसी मेरी दृष्टि है, जैसी मेरी वृत्ति है,
मेरी वृत्ति के अनुसार वह दिख रहा है। देखो जी, तो दुष्टों को काल दिखता है, किसी को वह प्रभु दिखता है, किसी को वह गुरु दिखता है, वो है तो एक। तो क्या कहेंगे, प्रभु एक है, हमने किस वृत्ति से अंदर से देखा वैसा नजर आता है। आप एक स्तुति पढ़ते हैं ना शिव जी की, उसमें आता है शिव जी की स्तुति में, सदा सज्जदा नंददाता पुरारी, सदा सज्जनानंद आनंददाता। लेकिन उन्होंने क्या लिखा पता है, आनंद सज्जन आनंद, सिर्फ सज्जनों को ही आनंद देता है। सदा सज्जनानंद आनंददाता तो है, लेकिन सबको आनंद नहीं देता, सदा सज्जन आनंददाता। और अगर जो दुर्जन मिल गया, दुष्ट व्यक्ति मिल गया, तो फिर महाराज वो काल नहीं महाकाल का रूप भी धारण कर लेता है, फिर उसके साथ दूसरा व्यवहार करता है। भगवान के विभिन्न व्यवहार दिखते हैं। तो देखो स्पष्ट करें, अगर हमारे हृदय में प्रार्थना है, आवाहन है, शरणागत है, समर्पण है, तो फिर भगवान मेरे लिए कैसे दिखाई देंगे, अनुग्रह विग्रह करते हुए। अब डिपेंड ये करता है आपके मन में कैसा है। भगवान वही दिखाई देंगे जो आपके मन में चल रहा है, उसी उपाधि से वो दिखेंगे। काला चश्मा लगा लेंगे तो वह व्यक्ति काला दिखेगा, लाल लगा लेंगे तो लाल दिखेगा। व्यक्ति में भेद नहीं है, भेद किस में हो रहा है, उपाधि में। उपाधि मतलब ये लाल काला पीला नीला। तो इस दृष्टि से वेदांत क्या कहता है, देखो, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परम धामा। मानस की चौपाइयां देखो, वो कैसा है, अनीह कोई इच्छा नहीं है, अरूप कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं है, अज उसका जन्म नहीं है, सच्चिदानंद। लेकिन आपको पता है दूसरी लाइन में क्या बोल दिया, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेही धरि देह। उसी व्यापक निराकार ईश्वर ने एक रूप धारण कर लिया। रूप ध्यान रखना है वो वही निराकार अनी रूप, लेकिन उसने क्या कर दिया, अब रूप धारण कर लिया, परम कृपाल प्रणत्व अनुरागी। जो प्रणत है उस पर केवल कृपा नहीं, अनुराग करते हैं। देखो समझते हैं अपना, देखो तो एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, अवतार तो है भाई, सिर्फ एक बात का निर्णय कर लो, आपके अंदर कैसी उपाधि है। जैसी उपाधि है वैसे ही वो वे साधक को दिखते हैं। अगर सुधार करना है तो उस प्रभु में मत करो, अपनी उपाधि में कर लो। मेरे ख्याल से यह उपाधि शब्द अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। जैसे ही आपकी बुद्धि में रहता है उसी आवश्यकता के अनुसार वो क्या होता है, प्रकट हो जाता है, जैसा आप चाहते हैं दिखाएं। मान लें द्रौपदी के चीरहरण में भगवान क्या बनकर प्रकट हुए, कृष्ण बनकर आए, लाला बनकर आए, यशोदानंदन बन के आए, बांसुरी बजैया आए। उस समय द्रौपदी को क्या आवश्यकता थी कि किसी तरीके से यह वस्त्र क्या होता जाए, और बड़ा होता जाए, और वस्त्र बड़ा होता जाए, जैसे मेरी लाज बच जाए। तो वही भगवान चीर हरण में चीर बनकर आ गए।
चीर बनकर आवे, हर समय राम बनकर आवे, हर समय कृष्ण बन के आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो याद रखना, ये जीवन में हम लोगों के हर समय राम बनकर आवे, वो कृष्ण ही बन के, ऐसा कोई जरूरी नहीं। भगवान वस्त्र बनकर आ गए, भगवान गुरु बन के भी आ जाते हैं। अगर वह जिज्ञासु है, मुमुक्षु है और उसमें तड़पड़ाहट है पंछी की तरह, तो वह जो गुरु है वह कोई और नहीं है, वह ईश्वर का अंश बनकर ही वो गुरु के अंदर आकर ज्ञान देता है। वह है तो ईश्वर ही, ध्यान रखना। तो जैसी आपकी आवश्यकता वैसा बनकर वो चलाता है। अब बोलते हैं दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, और सोचो आप वो ऐसा करते 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 बेहोश हो गया, भगवान क्या बन के आ गए, वस्त्र। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसी आवश्यकता उपाधि होती है वैसे ही भगवान यहां जन्म लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अवतार, है ना। तो हमारे सनातन धर्म में परमात्मा का अवतार तो बिल्कुल स्वीकार है, आपके यहां वैदिक शास्त्र में बिल्कुल स्वीकार है। जैसी आपको आवश्यकता होगी समष्टि में, वैसा रूप बनकर वो आएगा। भैया देश अगर ठीक ना चल रहा होवे तो शासक के रूप में भी वही आता है, आप देख सकते हो, शासक बनकर वही आता है और सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। जैसी आवश्यकता होती है वैसा बनकर वो आ गया। अच्छा अब आपको थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो अवतार है, वैसे तो अवतार कई प्रकार के हैं, लेकिन देखो एक अवतार थोड़ा मूल मूल समझ लें। एक अवतार होता है पूर्णावतार, पूर्णावतार पूर्ण। एक अवतार होता है कलावतार, एक अवतार होता है आवेशावतार, एक अवतार होता है नित्यावतार, एक अवतार होता है अर्च्यावतार। इतने सारे गिनाए ना, पांच। नित्यावतार, पूर्णावतार, कलावतार, आवेशावतार, अर्चावतार, ये सब अवतार के प्रकार है। ध्यान रखिएगा वही ईश्वर इन सब में आता है। तो मैं थोड़ा समझाता हूं, जैसे कि बात करें, मान लो किस धर्म, मान लो पूर्ण पूर्णावतार, कलावतार, आवेशावतार, नित्यावतार, अर्चावतार, कम से कम ये पांच अवतार को तो समझना चाहिए। जैसे एक समझते हैं पूर्णावतार, जैसे हम लोग क्या हुए, गर्भ में आए, फिर गर्भ माता के गर्भ में आए, फिर बाल्यावस्था आई, फिर किशोरावस्था आई, फिर युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था, ये सब हमारे जीवन में आया। हमारे भी जीवन में संयोग आया, वियोग आया, ऐसे ही जब भगवान के जीवन में उससे भी ज्यादा परिस्थितियां दिखती हैं, तब समझ लेना भगवान का कौन सा अवतार है, पूर्णावतार। स्पष्ट हो गया पूर्णावतार। जैसे हमारा जन्म होता है, गर्भ में निकलते हैं, फिर बालक बनते हैं, फिर शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर सुख भी आता है, फिर दुख भी आता है, संयोग वियोग, ऐसे हम लोगों की लाइफ है। जब भगवान की लाइफ भी ऐसे ही होवे, तब समझ लेना वो कौन सा अवतार है, पूर्णावतार। स्पष्ट हो गया, मानव की तरह से पूरा दिखे। अब कई लोग इसमें झगड़ा करवाने लगते हैं कि राम का पूर्णावतार है, कृष्ण का नहीं है, कृष्ण का है। भैया हमारे दृष्टि में दोनों ही पूर्णावतार है, सारी की सारी परिस्थितियां थी। अच्छा अब भगवान कपिल में देखो गुरु की प्रधानता है, ठीक है ना। भगवान जो कपिल हैं,
उनमें गुरु की प्रधानता दिखती है। तो वो क्या कहेंगे, अब यहां राज तिलक, वनवास, संयोग, वियोग, सुख दुख, उत्सव, उदासी, सुख, युद्ध, शांति क्या नहीं है। इन राम और कृष्ण के जीवन में तो सब चीज थी, लेकिन कलावतार में देखो, कलावतार मतलब होता है, कला मतलब अंश, कला मतलब अंश, जैसे बोलते हैं ना षोडश कला, जैसे चंद्रमा की कितनी कलाएं होती, 16 है ना, तो षोडश कला को हम लोग पूर्ण मानते हैं। तो एक एक कला एक्चुअली में एक एक विभाग होती है, जैसे पुराने जमाने में 1 रुपए में कितने आना, बोले 16 आना, तो पूरा 1 रुपए बनता था। स्त्री के भी कहा जाता था कितना श्रृंगार, तो बोलते थे 16 श्रृंगार, है ना। तो जो 16 शब्द है, 16 कलाएं, वो हमारे यहां क्या मानी गई, पूर्ण मानी गई। चंद्रमा के लिए भी कहते हैं 16 कलाएं। अब आप गिनोगे तो पता नहीं 16 क्या क्या होती है, कोई 50 करता हुए, लेकिन कला का मतलब होता है विभाग। कला का मतलब क्या हो गया, विभाग। तो एक जैसे कला को लेकर आया, जैसे कपिल भगवान गुरु की एक चीज को लेके आए, तो उस अवतार को जो कपिल का अवतार है उसको क्या बोलेंगे, कौन सा अवतार, कला अवतार। एक कला को लेकर वो आए, उनको क्या कहेंगे, कला अवतार। कौन सी कला लेके आए, गुरु की, ज्ञान की एक कला लेकर, एक गुण लेकर आए। अब इनको पूर्ण अवतार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कला अवतार। अच्छा, भगवान, ओहो नरसिंह भगवान, इनके बारे में क्या कहोगे, कौन से अवतार है नरसिंह भगवान, याद आ गया आपको, प्रहलाद जी ने आह्वान किया था, हिरण्यकश्यप ने कहां है तुम्हारा भगवान, हम लोग भी आजकल कलयुग में से, कहां है तुम्हारा भगवान, तुम्हारे भगवान में क्या हिम्मत है, तुम क्या इस खंभे में भी भगवान को पैदा कर सकते हो, ऐसा किसने बोला, ऐसा किसने बोला, हिरण्यकश्यप ने, भगवान ने सुन लिया, ओ सत्यम विधातुम निज प्रत्य भाषितम, ये हमारा निज भृत्य, मेरा मेरा लड़का, मेरा नौकर निज भृत्य, इसने जो वाक्य कहा है कि इस क्या बाप खंबे से भी निकल के आ जाओ, मैं इसकी वाणी को सच करने के लिए, प्रहलाद की वाणी को सच करने के लिए, इसके पिता ने जो कहा है कि क्या खंबे में भी हो सकते हो, मुझसे प्रहलाद जी ने कहा कि आप खंबे में प्रकट हो जाओ, तो मैं अपने प्रहलाद की वाणी को झूठा नहीं कर सकता, निजवृत्ति भाषितम। और भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। देखो जी, अब ये जो खंबे से प्रकट होना है, इसको क्या कहेंगे, आवेशावतार, क्या कहेंगे, आवेशावतार। तो ये आवेश है, भगवान एक आवेश लेकर आए, इसको क्या बोलेंगे, आवेशावतार। अच्छा, ध्यान रखें, जब तक हम अवतार को स्वीकार नहीं करते, उपकार व्यक्ति की ओर से ही होगा, मतलब पुकार किसकी ओर की ओर होगी, व्यक्ति की ओर से। तो व्यक्ति एक जरिया होता है, और उस जरिए से ही भगवान क्या होते हैं, यहां पर आते हैं, और फिर भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं। अब जब कोई भगत ये बोलता है सब में वही रम रहा है, सब में रम रमैया, तुलसी बाबा क्या बोलते हैं, सिया राम में सब जग जानी। लोमस ऋषि ने तो क्या कर दिया, जब श्राप दिया काकभुशुंडी को, तो उन्होंने श्राप दिया तो क्या बोलते, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भयन दीनता आई। अरे श्राप भी दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ,
क्यों निज प्रभु में देखूं जगत। मैं अपने प्रभु को इन सभी के अंदर देख रहा हूं, ये भी एक दुख हो। तो जब हम सदैव देखते रहते हैं तो यार ये किस बात की कह रहा हूं, नित्य अवतार। हमारे जो हृदय के अंदर बैठा है ना भगवान, वो कैसे नित्य अवतार। गलत कार्य करके देखो आप, गलत कार्य करो जरा भी तो अंदर से आवाज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्या आवाज आ जाएगी? गलत कर रहे हो, ये कौन सा होता है? अच्छा ये कब नहीं है? रात में नहीं है कि दिन में नहीं है कि प्रातः नहीं है? तो एक बात याद रखनी चाहिए, जैसी पुकार होती है भगवान वैसा ही अवतार लेते हैं भाई। इसलिए मैंने वेदांत का वाक्य, जब अंतःकरण सत्य लगता है तो अंतर्यामी प्रभु भी मेरे लिए है भैया। जिसको अंतःकरण मिथ्या लगता हुए हो ज्ञानी, उसके लिए जगत मिथ्या है। लेकिन हमको और आपको तो ये अंतःकरण क्या लग रहा है? सच लग रहा है। तो इस अंतःकरण पर शासन करने वाले भी हमारे लिए क्या है? सच है। अब वो कैसे आते हैं? मैंने आपको बताया, एक तो नित्य अवतार हो गया, नित्य रूप से विराजमान है कि नहीं, अभी अभी देख लो। जब वो लीला करके आते हैं, माता के गर्भ से आए तो फिर पूर्णा अवतार हो गए। किसी एक परिस्थिति में वो आते हैं, एक परिस्थिति में, तो आवश्यक से परशुराम के रूप में आवेश अवतार। लेकिन कोई एक कला लेके भगवान प्रकट हो गए ज्ञान की, तो क्या हो गया? कला अवतार हो गया। अच्छा तो अब इन सबको क्या कहेंगे? अवतार। अब हम लोग इनमें आपस में क्या करते हैं? भेद करते हैं। राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, दुर्गा अलग हैं। आप पढ़ो अगर भागवत को तो नंद बाबा से ज्यादा अनन्य भगवान को और कौन मानता होगा? नंद बाबा तो भगवान को ही मानते थे। लेकिन आपको पता है नंद बाबा शिवरात्रि की रात्रि में अंबिका वन जाते हैं और गोपियां वहां पर देवी की पूजा करती हैं। किसको पाने के लिए? कृष्ण को पाने के लिए। देखो उपासना हुई कि नहीं? अंबा की पूजा करना शिवरात्रि के दिन, वो वन में जाते हैं। तो ये हम लोगों ने भेद बना रखा है, इसकी पूजा उसकी पूजा। वास्तव में कोई किसी की भी करे, जो बात है वो क्या है? वो सब एक है, प्रभु ही है। अच्छा अब फिर से अपने गीता पर आ जाना। अजह सन्नव्ययात्मा, भगवान के अजन्मा होने की घोषणा देखो खुद ही भगवान ने कर दी। सूर्य का दृष्टांत लीजिएगा, क्या दृष्टांत है? जब खुद की दृष्टि का सवाल है तो मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। लेकिन अब देखो भगवान आते कैसे हैं? अजह का तो योग है, आएंगे कैसे? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मिल गया? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम मतलब अपनी, अपनी प्रकृति को वश में कर देखो अवतार। देखना ध्यान से कैसे आते हैं। अब कोई भगवान के ऊपर ही कोई भगवान के ऊपर ही आरोप लगा सकता है कि गीता में पढ़ो तो हम बार बार बोलते हैं मम माया मम माया मम माया स्वाम। आप अपनी प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं? मम 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 मेरी 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 लगा के रखते हैं। इनसे प्रश्न आ सकता है साधक के मन में, यहां पे भी तो क्या बोले स्वाम अधिष्ठाय। तो एक बात ध्यान रखना है, यहां जो माया है पहली बात, वह
माया का अर्थ है त्रिगुणात्मिका प्रकृति। बहुत स्पष्ट देखिएगा, माया का अर्थ क्या हो गया? त्रिगुणात्मिका प्रकृति। त्रिगुणात्मिका प्रकृति मतलब सत्व, रज और तम। जब भी माया शब्द आवे, जब भी प्रकृति शब्द आवे, तब यह तीन लीजिएगा, सत्व, रज और तम। अब कोई कह सकता है कि आप तो मम 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 मेरी 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 कहते रहते हैं। भगवान बोलते हैं इसमें मेरा कोई मम का संबंध नहीं है। तो मद आश्रया, ये मेरे आश्रय में रहती है। थोड़ी सी महीन बात है, मेरी होना और मेरे आश्रय में रहना। जैसे कि मद आश्रय का अर्थ समझें, जैसे बोले मिट्टी का घट और सुरेश का घट, सुरेश का घट मतलब क्या भाई? घड़ा है। तो बोले किसका घड़ा है? ये बोले सुरेश का घड़ा है। तो सुरेश का घड़ा है इसका मतलब क्या हुआ? सुरेश ने पैसा देकर उस घड़े को क्या किया? खरीदा, है ना। सुरेश ने बाजार जाकर पैसा देकर उस घड़े को क्या कर लिया? खरीद लिया। अब किसी ने पूछा किसका घड़ा है, तो बोलते हैं सुरेश का। अच्छा, अब बोले मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा मतलब क्या हुआ? मिट्टी ने कितने पैसे दिए घड़े के लिए? मिट्टी ने घट से ममता कैसे जोड़ी? इसका मतलब हुआ मिट्टी का घड़ा मतलब मिट्टी रहेगी तो घड़ा रहेगा, और मिट्टी नहीं रहेगी तो घड़ा नहीं रहेगा। उल्टा है, रमेश बिना घट के भी रह सकते हैं, लेकिन घट बिना मिट्टी के नहीं रहेगा। आश्रिता है, मतलब जो घट है वो आश्रित किसके है? मिट्टी के। मिट्टी से ही निकला है, मिट्टी में ही लीन होगा। जब भगवान बोलते मम माया, तो माया का अर्थ लेना चाहिए कि वह जो माया है वह भगवान के आश्रित है। आश्रित समझना, आश्रित मतलब उसके शरणागत है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कि माया अलग है और वह प्रभु अलग है ना, प्रभु नहीं रहेंगे तो माया भी नहीं रहेगी। मतलब जब जब प्रभु चाहेंगे, प्रभु बिना माया के रह सकते हैं, माया बिना प्रभु के। देखो मिट्टी बिना घट के रह सकती है, सोच लो, मिट्टी बिना घट के रह सकती है, लेकिन घट जल बिना लहर के रह सकता है, लेकिन लहर बिना जल के। इसी तरह से माया बिना प्रभु के नहीं रह सकती, लेकिन प्रभु बिना माया के रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो माया है ये भगवान पर क्या है? आश्रित है। आश्रित मतलब परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान सहारा किसका लेते हैं? प्रकृति का। प्रकृति मतलब ये तीन गुणों का। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि। फिर भगवान यहां क्या करते हैं? आते हैं। मानो कि वह प्रकृति एक दासी है, राजा रानी वाली जिस कहानी है, तो मैं प्रकट होता हूं, मैं रूपवान हूंगा, खेलन इव दृश्यते, इंद्रिय गोचराम आपन्नम इव दृश्यते, भाष्यकार ऐसा लिखते हैं। तो बोले विग्रह उसने धारण कर लिया, संभवामी आत्ममायया,
क्योंकि जुआ स्वयं जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अपनी दृष्टि से उसने कभी विग्रह धारण नहीं किया, बट उसने माया की सहायता से लेकर समष्टि की पुकार के अनुसार जो समष्टि को आवश्यकता थी तो फिर उसने वैसा आकार धारण कर लिया। जैसे मैंने दृष्टांत आपको क्या दिया, सूर्योदय सूर्योदय और सूर्यास्त जरूर हुआ, लेकिन उसी के लिए हुआ जो पृथ्वी पर है। सूर्य की दृष्टि से तो वह माईक है, सूर्य की दृष्टि से तो नहीं हुआ। उस कॉन्शियसनेस की दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर का अवतार नहीं हुआ, लेकिन हम जीव की दृष्टि से देखेंगे तो अवतार हुआ। ये दो भेद बना के रखिएगा। जीव की दृष्टि से अवतार होता है, आत्मा की दृष्टि से अवतार नहीं होता है। कौन सी दृष्टि है आपकी, जीव दृष्टि की आत्म दृष्टि? सोच लो, ये वेदांत अगर ये स्पष्ट आ जाए तो कभी भ्रम नहीं होता है। वो जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है, आपकी अपनी दृष्टि क्या है। जीव हैं हम, सच्चाई में मुझे जीव का ही भान हो रहा है, तब आप समझ लीजिए भगवान भी हैं, सृष्टि भी है और आपका अंतःकरण भी है। लेकिन आपका जो स्तर है वो कैसा है? नहीं, अंतःकरण तो मिथ्या है, तो फिर आपके लिए भगवान नाम की भी कोई चीज नहीं है। इसलिए देखो सुंदरकांड में क्या बोलते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनगम निर्वाण शांति प्रदम, ये पढ़ते ना आखिरी में क्या करते हैं, माया मनुष्यम हरिम। क्या बोला भगवान तुलसी बाबा ने, ये जो मनुष्य रूप में है ये तो माया के कारण, माया मनुष्यम हरिम। भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो ये माईक बनकर आते हैं, माया मानुष रूपिणं। इसलिए बहुत आखिरी आखिरी में बहुत सुंदर बात कहूं, जब आखिरी आखिरी में भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े थे और भगवान को देखकर भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली, बड़ा बुरा लगना चाहिए भाई, भगवान को देख के आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा, मानो भगवान सामने खड़े और आपने आंखें बंद कर ली, तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं, हृदयस्थम पूजया मासम माययोपात विग्रह। अरे अरे ये जो बाहर खड़े हैं, ये जो विग्रह बाहर खड़ा है, ये माया उपात, ये माया का बना है। वाह क्या ज्ञान है भीष्म पितामह का, ये जो बाहर खड़ा है ये माया का विग्रह है। हृदयस्थम पूजया मासम, और मैं उस ईश्वर को अंदर हृदय में देख रहा हूं। यही जो ईश्वर अंदर है ये बाहर माया के रूप में आके खड़ा है। इसीलिए भैया सुंदरकांड ऐसे भी तो पढ़ो ना कभी, माया मनुष्यम हरि वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपालचूड़ामणि, पढ़े तो चले जा रहे हैं बट इसका अर्थ तो कभी देखो, माया मनुष्यम हरि, वह हरि जो मनुष्य के रूप में दिख रहा है उसका कारण क्या है, माया। तो माया मनुष्यम हरि, तो वह जो अवतार है वो हम लोगों के लिए क्या है, मानो कि वरदान है ना। तो भक्त कहाँ जाएगा, तो अवश्य होना चाहिए, तो श्रोता के रूप में ही भगवान हम ही अवतरित हैं। देखो जी मेरा ही मनन हो रहा है, ऐसा अगर मानूं तो कौन रोक सकता है, सबको भगवान देखने। मुझे यह समझ में आए कि इन सभी में भी कौन बैठा है, वही ईश्वर बैठा हुआ है। तो
सनातन धर्म तो हमारा एकदम नहीं रुकता, इसी बोलता है सिया राम में सब जग जानी। तो महाराज प्रभु कब आते हैं? बिना विकृत होते हुए आते हैं, आपको आने में कोई बाधा नहीं होती। कोई किसी ने गुरुदेव से पूछा था कि स्वामी जी अवतार का समय हुआ कि नहीं, इतना सब हो रहा है, और आजकल तो और लोग पूछते हैं इतना सब हो रहा है। तो गुरुदेव का तो अपना एक व्यक्तित्व था, फॉर दिस वाई गॉड शुड कम, ऐसा गुरुदेव बोलते थे, वी आर एनफ फॉर दिस, इसके लिए तो हम ही लोग अभी काफी हैं। इन फुटकर चीजों के लिए भगवान को आने की, ये सब तो हमारी ही दुखी, ये कोरोना किसने फैलाया सोचो, भगवान ने कुछ कराया? ऐसे ही भी कुछ प्रश्न कोई पूछ रहा था कि इसको आदि दैविक बोलेंगे आदि भौतिक बोलेंगे। भाई भगवान का दिया हुआ अगर होता तो मनुष्य दूर नहीं कर सकता था, आंधी अगर चलती मनुष्य दूर कर सकता था, बरसात हो रही होती जबरदस्त और मनुष्य दूर कर पाता है? फिर मनुष्य की कुछ नहीं चलती, ये पैदा किसने किया? मनुष्य नहीं किया है। तो उसका जब संयम घबराएगा, इसीलिए कहा जाता था भैया मांसाहारी भोजन मत करो। ये हिंदू परंपरा देखो ना, जब व्यक्ति समाप्त हो जाए तो उसको, आप क्वारंटीन की जो बात कर रहे हैं आज इंग्लिश में, वो 14 दिन का, इसी को आपके शास्त्रों में बुजुर्ग लोग सूतक बोलते थे। सूतक जब जन्म होता था तब भी उस पर सूतक लगता था, जब मरणों के आता था तब, अब ये पढ़ा लिखा सम्राट काहे को सूतक, अब वो सब कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, नॉनवेज भी नहीं खाना, 10 बार हाथ धोएंगे एक दूसरे से। अरे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ये सही है भी, बट ये बात पहले से ही हमारी संस्कृति में थी, लेकिन अब क्या कहें, कुछ लोगों का ये दिमाग खराब होता है, निंदा करने में जुट जाते हैं। जब सूतक लगता था तो जो व्यक्ति उसको करके आता था उससे दूरी बनाई रखी जाती थी, वो जो प्रजनन करती थी माँ उससे लोग थोड़ा दूर रहते थे, कितने 14 दिन के लिए। मैं एक ही कहूं, ओल्ड इज गोल्ड, सब जो अच्छा ऋषि मुनियों ने करा सब अच्छा किया था। तो ये बीमारी किसने फैलाई? हमने फैलाई, दूर भी कौन करे, हम ही लोग करेंगे, हमारा ही किया हुआ कर्म। तो एक बात ये समझिए, अब वो क्यों आता है? तो बोलते हैं वो कब आएगा, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, नेक्स्ट श्लोक, यदा यदा ही धर्म से ग्लानी ही भवती, जब जब धर्म की धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं, ये गलत बात नहीं फैलाना हिंदू धर्म फैल गया, और ये यहां ऐसा भगवान ने नहीं लिखा है। जब जब धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तदात्मानं, तब मैं क्या करता हूं, आता हूं। तो अवतार का अपना एक परफेक्ट टाइमिंग है। बाहर वाला जो नित्य अवतार तो आपके अंतःकरण में है ही है, अभी भी है, लेकिन बाहर वो यदि कोई अवतार लेगा तो कब लेगा? जब उसको लगेगा कि धर्म की ग्लानि हो रही है, अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, तब वो क्या करेगा, अवतार लेगा। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, अवतार वाद। अवतारवाद मतलब हो गया वही प्रभु हमारी ही प्रार्थना से समष्टि को देखकर जब हमारे सम्मुख आते हैं। आइए सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्य उवाच, शृणदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम्, मया तमैव स्नेहाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते विनियोग। अस्य दुर्श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य
नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठी विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवता हि सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेष जन्तो स्वस्तये स्मृता मतिमति अशुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यास्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हि श्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्या सखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनम् श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।